जोजिला खुलने से पहले या और आम तौर पे जो हर साल जोजिला खुलता है उससे भी काफ़ी पहले से एसेंशियल सप्लाइज़ फूड सप्लाइज़ लाना शुरू किया। इंडियन एयरफोर्स और आर्मी के प्लेन्स के ज़रिए आज तक हमने उसमें कोई 15 फ्लाइट्स मोबिलाइज करी जिसमें कुल टोटल 295 टन्स यानी 295,000 केजी एसेंशियल सप्लाइज लाए गए, ओनली फूड सप्लाइज। ये प्रक्रिया अभी भी जारी है और एसेंशियल कमोडिटीज चंडीगढ़ या दिल्ली से हम लाना जारी रखेंगे थ्रू एयर। इन द मीन टाइम यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के एक्टिव इंटरवेंशन से, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर के एक्टिव इंटरवेंशन से पिछले 10 सालों में, एक साल को छोड़ दें तो जोजिला हमने इफ़ेक्टिवली एसेंशियल कमोडिटीज़ के लिए इस साल बहुत जल्दी खोला। 11 अप्रैल से हमने ट्रक्स और टैंकर्स के ज़रिए एसेंशियल कमोडिटीज़ लाना शुरू कर दिया है। पूरा प्रिकॉशन लेते हुए भी हमने अभी तक 51 एसेंशियल सप्लाईज यानी वेजिटेबल एंड फूड सप्लाईज की बात कर रहा हूँ, 51 ट्रक्स को इजाज़त दी है, ऑथराइज किया है आने के लिए। डेट वाइज अगर बताएं तो 13 तारीख को 5 ट्रक्स हमने परमिट किए ले के और 11 ट्रक्स हमने परमिट किए करगिल के, जिसमें से चंद कम आए क्योंकि कुछ ट्रक्स जो हैं एसोसिएशंस लोड नहीं कर पाए या जम्मू के रास्ते फंस गए तो वो नहीं पहुंच पाए। 15 तारीख को यानी आज हमने 35 ट्रकों को ऑथराइज किया था आने के लिए, जहां तक कि हमने पहले ये सोचा था कि शायद 15 ही ट्रक आ पाएंगे, मगर जैसे जैसे रास्ता खुलता जा रहा है और हमारे को BRO को भी पूरी कोऑपरेशन मिल रही है, करगिल पुलिस भी अपना पूरा जोर लगा रही है और उधर से हमने कश्मीर में भी रिक्वेस्ट करके डिविजनल कमिश्नर को कोऑपरेशन उधर से भी लिया है गांदरबल साइड से एडमिनिस्ट्रेशन का, तो हमने ट्रक्स के नंबर बढ़ा के आज 35 ट्रकों को शेड्यूल किया था, बट मौसम ख़राब होने के कारण आज नहीं आ पाए। जैसे ही मौसम ठीक हो जाएगा कल या परसों ये ट्रक्स आ जाएंगे। रमज़ान को मद्देनज़र रखते हुए हमने दोनों मर्चेंट एसोसिएशन LSDC के ज़रिए से और इस पूरे प्रोसेस में, ये जो एसेंशियल कमोडिटीज़ लाने का प्रोसेस है इसके अंदर हमने LSDCs को रिक्वेस्ट किया है कि मर्चेंट एसोसिएशंस को कोलैबोरेट करके उनसे वो सामान मंगवाया जाए जिन चीज़ों की कमी है, और एक बार आने के बाद उसके डिस्ट्रीब्यूशन में हमारी मदद करें। तो LSDCs ने बोथ करगिल और लेह के उसमें बहुत प्रोएक्टिव रोल लिया है और कोऑपरेटिव्स के ज़रिए, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ज़रिए LSDCs के गाइडेंस में ये डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज़्म कराया गया है। जहाँ जहाँ से भी कमियों की हमें कोई खबर आती है वहाँ रेस्पेक्टिव डिप्टी कमिश्नर्स इमीडिएटली फूड सप्लाईज पहुँचाने का प्रबंध व्यवस्था करते हैं। रमज़ान के लिए जो सामान फूड कमोडिटीज़ हैं उसके अंदर हमने दोनों डिस्ट्रिक्ट्स को बोला है कि प्रायोरिटी पे रमज़ान का सामान लाया जाए, आगे आने वाले जो भी ट्रक्स आएंगे उस पर रमज़ान का सामान ला के स्टॉक कर लिया जाए, जिससे कि त्यौहार में जो पर्टिकुलर खाने पीने की सामग्री होती है उसमें कोई कमी ना आए। लॉकडाउन के पीरियड में अब तक 4 पेशेंट इवैक्यूएशंस हो चुके हैं, जिन पेशेंट्स को भी टर्शियरी केयर के लिए LSDC का हमारे लद्दाख के हॉस्पिटल्स में वो सुविधा नहीं मिल रही थी, उन लोगों को इवैक्यूएट करके चंडीगढ़ में लेके जाया गया है, और वहाँ हमारे जो लाइजन ऑफिसर्स हैं वो प्रायर टच में रहते हैं PGI चंडीगढ़ के साथ, और हमारे यहाँ पर CMO साहिबान भी वो पर्टिकुलर हॉस्पिटल में, टर्शरी केयर के हॉस्पिटल में पहले से रابطہ रखते हैं। तो वहाँ पर जो हमारे लाइजन ऑफिसर्स हैं, नोडल ऑफिसर्स हैं ग्रीवेंसेस देखने के लिए, वो लोग फ्री एम्बुलेंसेस की सर्विसेज या डॉक्टर्स के साथ या हॉस्पिटल के साथ जो रابطہ रखना है, वहाँ का जो पेपर वर्क करना है उसको फैसिलिटेट कराते हैं। लद्दाख के रेजिडेंट्स
इस वक्त लॉकडाउन के चलते वापस लद्दाख नहीं आ पा रहे हैं, उसके अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हैं, कई लोग इलाज कराने के लिए बाहर गए थे, पेशेंट्स भी हैं, कुछ लोग पेशेंट के एस्कॉर्ट्स भी हैं, कई जनरल विजिटर्स हैं, कई नौकरी के सिलसिले में बाहर रहते हैं। उन लोगों के साथ एक राबता रखने के लिए, चूँकि वो लोग सब फंसे हुए हैं और हो सकता है कि किसी को किसी किस्म की मदद की ज़रूरत हो, उनको उनके साथ राबता रखने के लिए हमने एक आईटी टूल डेवलप किया है, एप्लीकेशन डेवलप किया है लद्दाख कनेक्ट के नाम से, जो connect.ladakh.gov.in पे या connect.ladakh.gov.in पे अप्रोच किया जा सकता है। उसको अभी लॉन्च किए कोई 5-1 दिन हुए हैं और उसमें हमारे कोई 6,000 लद्दाख के रहने वाले लद्दाखी जो बाहर हैं उन्होंने रजिस्टर किया है। 6,000 लोगों के रजिस्टर होने पे, अलग अलग जगहों से रजिस्टर किया ऑल ओवर द कंट्री, 6,000 लोगों के रजिस्टर होने से, और उसके अंदर हमारे पास सुविधा भी है कि वो अपने ग्रीवेंसेस या अपनी ज़रूरत जो है वो हमें वो करा पाए। अब तक हमें करीबन 900 ग्रीवेंसेस आए हैं हमारे लद्दाख के लोगों से, 900 ग्रीवेंसेस से ज़्यादातर ग्रीवेंसेस यानी 90% ग्रीवेंसेस हमारे पास एक प्रॉपर टीम है, बैकअप टीम, बैकएंड टीम, जो कि एक एक ग्रीवेंसेस को पढ़ा जाता है और उसको नोडल ऑफिसर एलोकेट किया जाता है। नोडल ऑफिसर अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग अधिकारियों के साथ बात करके या अपने रिसोर्सेज से जो ग्रीवेंसेज है उनको दूर करते हैं। तो ये जो 900 ग्रीवेंसेज है उसमें से 90% ग्रीवेंसेज वैसे थे जिसके अंदर लोगों को चिंता थी वापस आने की, तो उनको जो भी हमारे NDMA एक्ट के तहत जो लॉकडाउन के रूल्स और प्रोसेसेस हैं वो बताए जाते हैं। उसके अलावा करीबन अभी तक 10% ग्रीवेंसेज ऐसे हैं जो स्पेसिफिक इशूज़ को लेके हैं। अब तक कनेक्ट लद्दाख हो या उसके अलावा हो, हमारे नोडल ऑफिसर्स ने कुल मिला के कोई 335 ग्रीवेंसेज को एड्रेस किया है। मैं इस माध्यम से और भी लोगों से अपील करूंगा, जो भी हमारे लोग बाहर हैं जिन्होंने रजिस्टर नहीं किया है वो इस ऐप पे रजिस्टर करें। जो ईरान रिटर्नीज हैं वो इस वक्त 15 फरवरी के बाद आए हुए, वो इस वक्त अलग अलग क्वारंटाइन सेंटर्स में मौजूद हैं, क्वारंटाइन का पीरियड अपना काट रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमारी टीम और मैं पर्सनली जोधपुर, जैसलमेर, हिंडन, इन तीनों क्वारंटाइन सेंटर्स के टच में हूँ। ये क्वारंटाइन सेंटर्स आर्म फोर्सेस द्वारा मैनेज किए जा रहे हैं, आर्मी और एयरफोर्स के हैं। हम लोग इनसे टच में रहते हैं कि किसी को कोई परेशानी या कोई एक्सट्रीम परेशानी तो नहीं है। ये एक जाहिर सी बात है, लंबा पीरियड हुआ है, मौसम की भी प्रॉब्लम्स हैं, थोड़ी बहुत इनकन्वीनियंसेस आ रही हैं लोगों को, वो हमारे नज़र में आता है, हम इमीडिएटली बात करते हैं। जहाँ रही इवैक्यूएशन की बात, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से जागरूक है इस बात को लेके, हम MHA के टच में भी है इस मुद्दे को लेके। जैसे ही हमारे को वहाँ से ग्रीन सिग्नल मिलेगा क्वारंटाइन फिनिश होने का और MHA के जो गाइडलाइंस होंगे उसके तहत जैसे ही हमें आदेश मिलेगा, हम इमीडिएटली विदाउट एनी वेस्टिंग एनी टाइम हमारे जो लद्दाखी पिलग्रिम्स बाहर हैं उनको लाने के लिए जो भी मोबिलाइजेशन करनी है वो करेंगे। तो वेजिटेबल वगैरह आप एयरफोर्स के थ्रू लाते हैं, उसमें काफ़ी सारा मतलब सॉर्टर सब लोगों को नहीं मिल पाता, जैसे आप नंबरदार के थ्रू भेजते हैं तो जो किराएदार वगैरह वो नंबरदार के अंदर नहीं आते, उनको नहीं मिलता, तो उससे अच्छा वो कश्मीरी वेंडर को कंट्रोल मैनर में लाने की इजाज़त नहीं दे सकता सर? नहीं, जो ये डिस्ट्रीब्यूशन का मैकेनिज्म है ये हमने बाई ऑर्डर ऑल्सो ये LHDCs और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पे ही छोड़ा हुआ है, बिकॉज लोकल कंडीशंस और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है इस काम को सुचारू रूप से कर पाएगी। तो उसके अंदर जो शुरुआत में कुछ ऐसे कंप्लेंट्स आए थे कि कहीं कहीं पर चीज़ें नहीं पहुंच पाई, वो अब कंप्लेंट्स नहीं आ रही है, उसको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने ठीक किया है, कोऑपरेटिव को भी बीच में लाया गया है जिससे कि इस डिस्ट्रीब्यूशन में